और पूरे देश में होली का त्यौहार बड़ी तौर पे माना जाता है। खास करके उत्तर भारत में तो होली का त्यौहार बहुत ही उत्साह के साथ, उल्लास के साथ मनाया जाता है। मैं होली की सभी लोगों को या इस हमारे पूरे भारतवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। होली में हम अभी पहले तो हम लकड़ियाँ जलाते थे और आज भी जलाते हैं, तो पहले तो हमें पर्यावरण के बारे में ख्याल रखना चाहिए कि पर्यावरण का बहुत ही नुकसान हमने पूरे मनुष्य जाति ने किया है। तो ये जो पर्यावरण की रक्षा के लिए मेरी एक विनती है सभी से कि होली में हम कम से कम लकड़ियों का इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह है कि अभी हर त्यौहार मनाने के पीछे, हर धर्म में त्यौहार होते हैं, हर धर्म में जो अलग अलग त्यौहार होते हैं इसके पीछे कोई एक तत्वज्ञान होता है, कोई फिलॉसफी होती है। जैसे कि होली में हम एक ये कर सकते हैं कि जो बुराइयाँ आज समाज में हैं, हम देखते हैं हमारा जो भारत देश है, भारत देश दुनिया में सबसे आगे जाना चाहिए, हर एक का एक सपना है। हमारा सपना है कि भारत देश दुनिया में बहुत आगे जाना चाहिए। हालांकि अब हम दुनिया में इतने आगे नहीं है, हम डेवलप्ड नेशन नहीं है, हम डेवलपिंग नेशन है, विकसनशील राष्ट्र हम हैं। इसलिए अगर हमें बहुत आगे जाना है तो हमें सभी भारतवासियों को एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। धर्म जाति ये मनुष्य ने बनाया, ये ईश्वर ने या निसर्ग ने नहीं बनाया। इसलिए होली में हम पहले तो ये जो सब आज धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को अलग किया जाता है, लोगों को बांट जाता है, समाज को बांट जाता है, तो ये बुराइयाँ हमें ये होली में जला, आज की जो होलियाँ हैं, होली का त्यौहार है, उसमें इसको हमें जलाना है। हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके कारण जो आम आदमी है उसके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ पैदा होती है, बहुत जीवन उसका मुश्किल होते जा रहा है। इसलिए हमें ये भ्रष्टाचार को इसमें जलाना है, होली में जलाना है। उसी तरह से अंधविश्वास और ऐसी जो बातें हैं जिससे समाज यहाँ कमजोर हो जाता है, अगर हमें समाज को आगे ले जाना है तो हमें वैज्ञानिक दृष्टि से आगे जाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सभी भारतवासियों को इस होली के त्यौहार की बधाइयाँ देते हुए ये उनसे विनती करता हूँ, उनसे अपील करता हूँ कि हम सब तभी आगे जा सकते हैं जब हम एक दूसरे के कंधे से कंधे मिला के काम करेंगे। धर्म, जाति, प्रांत ये सब हमने बनाए हैं, इन सबको भूलकर जब हम आगे जाएंगे तभी भारत विश्व में